अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपका होस्ट मज़र इकबाल और आप देख रहे हैं दस हाक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्कैंडिनेविया के मुतालिक बात करेंगे। ये एक पहली किस्त है इस तारीख में, इसका स्कैंडिनेविया का हम महल वकू। वैसे तो स्कैंडिनेविया हम जिन लोगों को पता नहीं है वो स्कैंडिनेविया यूरोप के ममालिक को कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बर आज़म यूरोप से हटकर कुछ ममालिक हैं जिनको हम स्कैंडिनेविया कहा जाता है। मज़ीद इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे उनके हथियार कैसे थे और किस तरह अपने हथियारों को इस्तेमाल करते थे और किस चीज़ के वो हथियार इस्तेमाल करते थे, शिकार के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और उनके मज़हब के मुतल्लिक भी कुछ बयान करेंगे, वो किन देवता और देवी देवताओं की इबादत करते थे और वहाँ के लोगों का स्कैंडिनेविया के लोगों का पेशा क्या था, उनका मज़हब, उनकी तिजारत, उनके रस्म व रिवाज, उसकी ज़रात, उसके माहौलियाती मसाइल, उस पर आतिश फिशां और उसमें वादियां, उसका मुख्तसर जायजा लेंगे। ये एक ज़बरदस्त सीरीज़ होगी और इस सीरीज़ में हम वाइकिंग का भी तफसील के साथ जिक्र करेंगे, लेकिन दूसरी आने वाली वीडियो में करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम स्कैंडिनेविया से जो दौर शुरू हुए हैं, पत्थर का ज़माना, फिर जदीद पत्थर का ज़माना, उसके बाद लोहे का ज़माना, उसके बाद धातु का ज़माना। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल पर रहने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। स्कैंडिनेविया या नॉर्वे, ये बड़े आज़म यूरोप के जनूब में वाक़ है और ये बहुत ही काफ़ी सर्द एरिया है। स्कैंडिनेविया तब से वजूद में है जब बरतानिया नहीं था, जब बरतानिया तो बाद में वजूद में आया। बरतानिया को पहले इंग्लैंड कहा जाता था, इसको इंग्लिस्तान कहा जाता और आइस इंग्ला भी इसको कहा जाता था। तब से स्कैंडिनेविया या नॉर्वे मौजूद में है। दोस्तों स्कैंडिनेविया या नॉर्वे स्वीडन और डेनमार्क की एक अलामत समझा जाता है। इन तीन स्कैंडिनेवियन ममालिक के अलावा फिनलैंड और आइसलैंड भी नॉर्डिक ममालिक में आते हैं, इसलिए इन पांच ममालिक को दूसरे ममालिक में स्कैंडिनेविया के ममालिक के नाम से ही जाना जाता है। इन ममालिक के आपस में बहुत ही दोस्ताना और अच्छे ताल्लुकात हैं। स्कैंडिनेविया का शुमाल और मगरबी हिस्सा बहुत ज़्यादा खटा फटा है और पहाड़ी है, जबकि जनूब में ज़मीन ज़्यादा हमवार और ग्लेशियर्स की बदौलत इंतहाई ज़रखेज़ ज़मीन है। दोस्तों फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन का बेहतर हिस्सा घने जंगलात पर मुश्तमिल है, जंगली एरिया है। आइसलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा आतिशफिशाई इलाकों में से एक है और अंदाजा इस जजीरे पर 200 आतिशफिशां मौजूद हैं। नॉर्वे में कई वसी वादियां हैं जिन्हें फोर्ड कहा जाता है दोस्तों, जबकि स्वीडन और फिनलैंड में हजारों की तादाद में झीलें मौजूद हैं। ये वादियां और झीलें आखिरी बर्फानी हो, जिसको हम इंग्लिश में लास्ट आइस एज कहा जाता है, उसमें बर्फ के पिघलने के बाद वजूद में आई थी। अगर हम ज़रात की बात करें तो जनूबी डेनमार्क और स्वीडन ज़रई इतबार में वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा पैदावार देते हैं और जहाँ अहम पैदावार गंदम, जौ और आलू हैं, जबकि सुअर और दूध देने वाले जानवर भी पाए जाते हैं। दोस्तों जनूबी नॉर्वे और आइसलैंड में भेड़ों को पालना अहम तरीन सनत है। अगर हम इसके माहौल का और माहौलियाती मसाइल का वो जिक्र करें तो शुमाली यूरोप का ये इलाका जो बड़े आज़म के दीगर इलाकों की बनस्बत सन्नती और आलूदगी से कहीं ज़्यादा मुतासर हो रहा है और आलूदा हवाएं शुमाल का रुख करती हैं और यूँ बारिश के साथ मिलकर तेज़ाबी बारिश का भी सबब बनती हैं, जो जंगलात और झीलों को आलूदा और नबातात और हैवानात को तबाह कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं। दोस्तों अगर हम नॉर्वे की तारीख का जायज़ा लें और उसके नॉर्वे की जो पुरानी तारीख उसको हम देखें तो आज से 18,000 साल पहले नॉर्डिक का पूरा हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ था। नॉर्डिक में आपको बयान कर चुका हूँ, पाँच ममालिक का जत्था है जिसको हम नॉर्डिक कहते हैं, जो कि ग्लेशियर की सूरत में था। 10,000 कब्ल मसीह पहले दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से बर्फ़ पिघलना शुरू हुई, तो इस तरह से नॉर्वे का साहिल बर्फ़ से आज़ाद हो गया। इसके बाद यहाँ लोगों ने बसना शुरू कर दिया, जो कि जानवरों का शिकार करते थे और माही गिरी किया करते थे, हड्डियों और खाल से हथियार बनाते थे। ये लोग गारों और खाल के बने हुए खेमों में रहते थे। उस वक्त के साथ साथ दर्जा हरारत में भी मजीद तब्दीलियाँ आती गई, बहुत सारे लोग यहाँ कर आबाद होने लगे। तकरीबन 6,000 कब्ल मसीह तक साहिल पर काफ़ी लोग आबाद हो गए, नॉर्वे के इस साहिल पर बहुत सारे लोग आबाद हो गए। तारीख में इसका पता भी नहीं मिलता कि ये लोग कहाँ से आए, लेकिन एक अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि ये लोग जनूब की तरफ से या मगरबी जजीरों से आए थे।
और इस जमाने को पत्थर का जमाना कहा जाता है क्योंकि लोगों के पास मतलब वो आयरन के हथियार और दूसरे कांसे के हथियार नहीं थे, तो ये लोग पत्थर के जरिए हथियार बनाते थे और उन्हीं के जरिए अपनी प्रोटेक्शन करते थे और उन्हीं के जरिए वो लोग शिकार करते थे। वो लोग टोटली जंगली थे। उन लोगों में कोई सेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाना पीना, शिकार करना, सेक्स करना, बच्चे पैदा करना, मार धाड़ करना, यही सब उन लोगों का जो है ना पेशा था। अब आ जाए दूसरा मतलब नया पत्थर का जमाना, जिसे जदीद पत्थर का जमाना कहा जाता है। पुराने पत्थर के जमाने के बाद को नया पत्थर का जमाना कहा जाता है और यह जमाना तकरीबन 4000 से लेकर 1800 कब्ल मसीह तक है। सबसे बड़ा फर्क जो इन दोनों पत्थर के जमानों में है वो ये था कि नए पत्थर के ज़माने में खेती बाड़ी का आगाज हो चुका था, जो कि मुख्तलिफ अनाज गल्ले की सूरत में था, मतलब गंदम, जौ और बाजरा वगैरह। लोगों ने इस ज़माने में घर में गाय और भेड़ों को भी पालना शुरू कर दिया था। खेती बाड़ी का तरीका जनूब की तरफ से आए हुए लोगों ने यहाँ फैला दिया। खेती बाड़ी की वजह से लोगों ने मुस्तकिल रहना शुरू कर दिया क्योंकि उनको अपनी मतलब ज़मीन की वजह से, अपनी ज़रात और अपनी खेती की वजह से वहाँ पर रहना पड़ता था। जो पहला पत्थर का ज़माना था, लोग खाना बदोश थे, मतलब जैसे ही मौसम तब्दील होता था या शिकार की वजह से वो एक जगह पर रहते थे, शिकार के मतलब कम होने की वजह से, मौसम की तब्दीलियों की वजह से वो कूच कर जाते थे। लेकिन दूसरे ज़माने में उन लोगों ने रहना शुरू कर दिया अपनी ज़रात की वजह से। पहले लोग खाना बदोश थे, फिर उन्होंने सेटलमेंट करनी शुरू कर दी। दोस्तों 2000 कबल मसीह तक शिकार और माहीगीरी सबसे बड़ा पेशा था, जिसका अंदाज़ा भी हमें पत्थरों पर जानवरों की तस्वीरों से होता है। ये वो लोग हैं जो पत्थरों वगैरह पर बनाया करते थे। इस दौर के आखिर तक खेती बाड़ी के पेशे ने बहुत ही अहमियत हासिल कर ली थी। दोस्तों जदीद पत्थर के ज़माने के बाद एक और ज़माना शुरू हो जाता है, जिसको हम धातुओं का ज़माना कहते हैं। ये 1800 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक है। 1800 कबल मसीह से लेकर 500 तक के ज़माने के धातुओं को ज़माना कहा जाता है। इस ज़माने के अमीर लोगों ने कांसी और टीन से हथियार और जेवरात बनाने शुरू कर दिए, लेकिन अभी तक काफ़ी लोग पत्थरों, हड्डियों और दरख्तों से ही हथियार वगैरह बनाया करते थे। मतलब अगर पॉपुलेशन 100% है, मतलब 100% आबादी है, तो 70% जो मतलब लो तबका था वो वही पुराने रस्म रिवाज के ऊपर था, लेकिन 30% ऐसा लोग थे जो मतलब अमीर थे, जो लोग समझ बूझ रखते थे, उन्होंने मतलब कांसी को, धातुओं को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। दोस्तों ऊन और भेड़ बकरों की खाल लोग, इससे वो लोग कपड़ा बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक काफ़ी लोग पत्थरों और हड्डियों के मतलब औजार बनाया करते थे। बाद में खड्डी पर कपड़ा बनाना और ऊन का इस्तेमाल उस जमाने भी शुरू हो गया था। दोस्तों चौथा और आखिर में जो है वो है लोहे का ज़माना, जो 500 कबल मसीह के बाद शुरू हो जाता है। इस ज़माने में लोहा बनाने का हुनर उस शुमाली इलाके तक पहुंच चुका था। नॉर्वे के बहुत बड़े हिस्से में कोयले की मदद से लोहे को पिघलाया जाता था, जो कि दलदल से हासिल किया जाता था। लोहे से उन्होंने चाकू, कुल्हाड़ी और दूसरे हथियार बनाए थे। दोस्तों नॉर्वे में छोटी छोटी बहुत सी रियासतों में तकसीम था और हर रियासत का हुक्मरान होता था। उनमें से कुछ हुक्मरान काफ़ी मजहबी होते थे, मजहब भी उनको जहलू वाला था, और वो ना ईसाई थे, ना क्रिश्चियन थे, ना ज्यू थे, ना मुस्लिम थे। वो एक अलग था, उनको मतलब कैथोलिक भी कहा जाता है, जो मुख्तलिफ देवी देवताओं पर अपना जो है ना अपना अकीदा रखते थे और ईमान रखते थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।